गाइस वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मूत्राघात के भेद के बारे में, जिसमें हमको 12 भेद या 13 भेद के बारे में बात करना है। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने 12 भेद माने हैं और आचार्य चरक ने 13 और आचार्य वाग्भट ने 20 माने हैं, जिसमें उन्होंने मूत्राघात और मूत्रकुच दोनों को एक साथ ही वर्णन किया है। इस वजह से उनके 20 भेद हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आचार्य सुश्रुत और चरक के अनुसार मूत्राघात के भेद। तो इसके पहले अगर मूत्राघात के निदान, परिचय, परिभाषा, संप्राप्ति, संप्राप्ति घटर और चिकित्सा के बारे में आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, या ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या आप जाके हमारी प्लेलिस्ट शल्यतंत्र की प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सारी वीडियोस आपको वहाँ भी देखने को मिल सकती हैं, जो भी हमने शल्यतंत्र पे डाली है, जैसे हाइड्रोसील, हर्निया, फिमोसिस, पैराफिमोसिस, बीपीएच वगैरह, भग्न वगैरह की वीडियो आपको वहाँ भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैसे याद रखना है आपको मूत्राघात के भेद। तो ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे, सबसे पहला है कि जठर में गैस बनने से उत्संग हुआ, जिससे अस्थीला और बस्थी कुंडल रोग हुआ। तो जठर में मतलब जठर प्रदेश में गैस बनती है, उससे क्या होता है, उत्संग होता है, उत्संग होने से अस्थीला और बस्थी कुंडल रोग हो जाता है, और बस्थी कुंडल और अस्थीला होने से क्या होती है, वात प्रकोपित होती है, तो वात के बढ़ने से विड का विघात हो जाता है। तो ये ट्रिक है छोटी सी, जिससे आपको ध्यान में रखना है थोड़ा कोरिलेट करके। तो जठर से आपको क्या याद रखना है, तो जठर से मूत्र जठर याद करना है। गैस में आपको जी से लिखना है ग्रंथि, ए से लिखना है अतीत, और एस से 3 है, कौन कौन से, 7, 6 और शुक्र। सबके आगे आपको मूत्र लिख देना है, मतलब मूत्र लगा देना है। तो मूत्र ग्रंथि, मूत्र अतीत, मूत्र साध, मूत्र 6 और मूत्र शुक्र, और मूत्र यहाँ पे जठर हो गया। फिर उत्संग से जो आ गया आपका मूत्र उत्संग हो गया। तो इस प्रकार से 3, 3 × 5 = 2, 7 भेद जो हो गए वो मूत्र से शुरू होने वाले हैं, मूत्र जठर, ग्रंथि, अतीत, मूत्र साध, मूत्र 6, मूत्र शुक्र और मूत्र उत्संग। उसके बाद उत्संग होने के बाद क्या हो रहा था, वहाँ पे अस्थीला हो रहा था और बस्ती कुंडल रोग हो रहा था। तो अस्थीला से अस्थीला आ जाएगा और बस्ती कुंडल से बस्ती कुंडल रोग आ जाएगा। फिर फिर उसके बाद क्या होता है, वात प्रकोपित होती है, वात प्रकोपित से विट का विघात होता है। तो वात से आपको 3 चीज़ याद रखनी है, वात कुंडलिका, वात बस्ती और उष्णवात। ठीक है, तो ये हो जाएगा वात से, उसके बाद विट का विघात से आपको विट विघात याद करेंगे। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे 7 हमने पढ़ देखे, उसके बाद 7 × 9 = 3, 12 = 1 = 13, तो ये हो जाएगा आपका 6 भेद इधर हो गए, तो 7 × 6 = 13 हो गए यहाँ पे टोटल। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं मूत्र जठर के बारे में। इसको हम मॉडर्न में डिस्टेंडेंट ब्लैडर भी बोलते हैं। तो क्या होता है कि निदान के सेवन से प्रकोपित वायु क्या होती है, ऊपर की ओर प्रवृत्त होकर बस्ती में तनाव के साथ वेदना की उत्पत्ति करती है, तत्पश्चात अपच और मलमूत्र का अवरोध होता है। तो जैसे कि मूत्र जठर है, तो जठर में ही ये जो भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, तो जैसे अपच हो जाएगा, मलमूत्र का अवरोध हो जाएगा। तो ये किस कारण से हो रहा है, तो जो निदान हमने देखे ऊपर या इसके पहले वीडियो में, उसके कारण वायु जो होती है ऊपर की ओर प्रवृत्त होकर बस्ती में तनाव और वेदना उत्पन्न करती है, साथ ही साथ अपच और मलमूत्र का अवरोध उत्पन्न करती है। अब हम बात करते हैं मूत्र ग्रंथि, इसको मॉडर्न में क्या बोलते हैं, स्टोन ऑब्स्ट्रक्टिंग द नेक ऑफ ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं मूत्र ग्रंथि। इसमें क्या है फीचर्स इसके, तो वात एवं कफ से दूषित रक्त बस्ती में दारुण ग्रंथि उत्पन्न करता है, जिससे मूत्र मार्ग का अवरोध हो जाता है, कृचता से मूत्र का त्याग होता है और असमरी के समान सूल होता है। तो क्या क्या ग्रंथि, जब मूत्र ग्रंथि है तो मतलब कोई स्टोन वगैरह है, स्टोन कैसे बन रहा है, वात और कफ से दूषित जब रक्त जो होता है वो बस्ती में जाके वहाँ पे एक दारुण ग्रंथि उत्पन्न करता है, जिसके कारण मूत्र मार्ग का अवरोध हो जाएगा, कृचता से मूत्र का त्याग और असमरी के समान सूल होगा। फिर थर्ड पॉइंट है, थर्ड वेद है हमारा मूत्र आतीत, इसको क्या बोलते हैं मॉडर्न में, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू बीपीएच। तो जो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया होता है उसके कारण जो रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है उसे ही हम मूत्र आतीत बोलते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो जैसे कि जब अज्ञानता बस मूत्र के वेग को धारण कर, जब कोई व्यक्ति अज्ञानता बस मूत्र का वेग धारण करता है तो क्या होता है, मूत्र त्याग के समय मूत्र का वेग शीघ्रतापूर्वक नहीं निकलता, जिसके और प्रवाहन करने पर मंद धार के साथ मूत्र त्याग होता है। तो क्या क्या होगा कि मूत्र के त्याग के समय मूत्र का वेग शीघ्रतापूर्वक नहीं निकलेगा और प्रवाहन करने पर मंद धार के साथ मूत्र का त्याग होगा। फिर चौथा भेद जो है वो हमारा मूत्र साध, इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न में ओलिगोयूरिया। इसमें क्या होगा कि जो मूत्र पिच्छिल, सांद्र और वर्ण में श्वेत हो, साथ ही साथ कठिनता से मूत्र की प्रवृत्ति हो और सूखने पर शंख के चूर्ण के समान पांडु वर्ण का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूत्र साध बोलते हैं। तो यह याद रखने वाली बात है कि शंख के चूर्ण के समान पांडु वर्ण के मूत्र का त्याग किस में होता है, वो होता है मूत्र साध में। फिर पांचवा भेद है हमारा मूत्र क्षय, इसको हम क्या बोलते हैं, एन्यूरिया। इसमें क्या होता है कि बस्ती में स्थित प्रकोपित वायु क्या करती है, बस्ती में वेदना के साथ मूत्र का क्षय करा देती है, एन्यूरिया जिसको बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ यूरिया या एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, इसी को हम मूत्र क्षय बोलते हैं।
फिर छठवां भेद है हमारा मूत्र शुक्र, इसको बोलते हैं स्टैग्नेशन ऑफ सीमेन। तो जब मूत्र का वेग आने पर जो व्यक्ति बिना मूत्र त्याग किए मैथुन करता है उस पुरुष का शुक्र मूत्र से पहले या बाद में निकलता है। अचाचरक ने मूत्र शुक्र को ही मूत्रकिच कहा है। तो जब कोई व्यक्ति जो होता है मूत्र के वेग के आने पर भी मैथुन करता है बिना मूत्र त्याग किए, तो उसका जो उस पुरुष का जो शुक्र होता है वो मूत्र से पहले या मूत्र के बाद में निकलता है, इसे ही हम बोलते हैं मूत्र शुक्र। मतलब सीधी सी सिंपल सी बात है, जब मूत्र के बाद या मूत्र के पहले शुक्र जब आता है उसे ही हम बोलते हैं मूत्र शुक्र। फिर सातवां भेद है हमारा मूत्र उत्संग, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा। स्ट्रक्चर क्या होता है? नैरोइंग। तो जब यूरेथ्रा की नैरोइंग हो जाती है उसे हम बोलते हैं मूत्र स्तंग उत्संग। इसमें क्या है कि फीचर्स क्या है कि मूत्र वाहि स्रोतों की विकृति या वायु द्वारा आकुंचन के कारण रुका हुआ मूत्र, मतलब आकुंचन मतलब होगी नैरोइंग। तो जब ये वायु द्वारा आकुंचन हो जाता है मूत्र वाहि स्रोत में, तो जो रुका हुआ मूत्र होता है वो वेदना या बिना वेदना के साथ थोड़े थोड़े मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होती है, साथ ही साथ मूत्र की धाता टूट टूट कर आती है और मूत्र इंद्रिय में गुरुता देखने को मिलती है क्योंकि रिटेंशन हो जाता है यूरिन का इस वजह से। तो ये हो गया मूत्र उत्संग। आठवां भेद है हमारा अष्टहीला, इसको बोलते हैं इनलार्ज प्रोस्टेट। तो ये हमारा बीपीएच वाला केस है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। इसमें क्या होता है, जब प्रकोपित वायु बस्ती तथा गुदा में अवरोध के कारण आद्यमान को उत्पन्न करती हुई चल उन्नत तथा तीव्र वेदनायुक्त अष्टहीला रोग को उत्पन्न करती है। प्रकोपित वायु जो होती है वो बस्ती में तथा गुदा में अवरोध के कारण क्या करती है, आद्यमान को उत्पन्न करती है, उसके साथ साथ चल उन्नत और तीव्र वेदनायुक्त अष्टहीला रोग को उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्या होगा, मल मूत्र का अवरोध होता है और मल मूत्र व मूत्र मार्गों का भी अवरोध होता है, साथ ही साथ तीव्र वेदना की उत्पत्ति होती है, इसे हम अष्टहीला बोलते हैं। तो अगर बीपीएच के ऊपर वीडियो हमने जो डाली थी वो नहीं देखी तो आप नीचे लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया बीपीएच की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 15 नंबर या 20 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, इसको आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बस्ती कुंडल, इसको बोलते हैं एटोनिक कंडीशन ऑफ ब्लैडर। इसमें क्या होता है, जो ब्लैडर की टोनिसिटी होती है वो लॉस हो जाती है, जिसके कारण क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं। तो बस्ती को अपने प्राकृतिक स्थान से हट जाने के कारण, जब बस्ती अपने प्राकृतिक स्थान से हट जाती है उसके कारण क्या होता है, बस्ती द्वार जो होता है वो अत्यंत संकुचित हो जाता है और मूत्र का निष्क्रमण नहीं हो पाता है, उसके कारण क्या होता है, बूंद बूंद के रूप में मूत्र का त्याग होता है। तो ये हो गया बस्ती कुंडल। फिर उसके बाद आता है हमारा वात कुंडलिका, जिसको बोलते हैं स्पैज्मोटिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, जब प्रकोपित वायु बस्ती में आश्रित होकर मूत्र को अवरुद्ध करके उसका कुंडल आकार विचरण करवाती है उसे हम वात कुंडलिका कहते हैं। इसमें क्या होता है, बस्ती में वेदना होती है साथ ही साथ पीड़ा के साथ या अल्प मात्रा में मूत्र का त्याग होता है, यह हो गई वात कुंडलिका। अब हम बात करते हैं 11th पॉइंट हमारा जो है वात बस्ती, इसको बोलते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसमें क्या होता है, निदानों के सेवन से कुपित हुई वायु बस्ती प्रदेश में जाकर मूत्र का अवरोध करती है साथ ही साथ बस्ती प्रदेश में शूल और कंडू को उत्पन्न करती है, ये होता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। फिर हमारा 12th जो भेद है, 12वां भेद है वो है उष्णवात, इसको बोलते हैं यूरिनरी इन्फेक्शन और गोनोरिया। इसमें क्या होता है, पित्त के साथ कुपित वायु, जहाँ भी उष्णता आ गई वो पित्त हो गई, जहाँ भी इन्फेक्शन आ गया वहाँ पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो पित्त के साथ कुपित हुई वायु पित्त की उष्मा से मूत्र का शोषण करती है, जिसके कारण कठिनता से रक्त या पीतवण का मूत्र त्याग होता है और बस्ती व मूत्र इंद्रिय में वेदना तथा दाह होती है। तो उष्णवात यही है कि पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उष्मा के कारण मूत्र का शोषण हो जाता है, साथ ही साथ कठिनता से रक्त या पीतवण का मूत्र त्याग होगा और बस्ती और मूत्र इंद्रिय में वेदना और दाह की उत्पत्ति होगी। उसके बाद हम विड विघात की बात करते हैं, इसमें क्या है कि रिटेंशन ऑफ यूरिन ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन और रेक्टो वेसिकल फिस्चुला, ये मॉडर्न का कोरिलेशन हो गया। इसमें क्या होता है, रूक्ष या दुर्बल व्यक्ति का मल जब वायु से विलोम होकर मूत्र मार्ग में पहुंच जाता है जिसके कारण मल से युक्त अथवा मल की गंध वाले मूत्र की का पीड़ा के साथ त्याग होता है। तो जब रुक्ष या दुर्बल व्यक्ति का मल जो होता है वो वायु के कारण विलोम होकर, मतलब जो नॉर्मल क्या दिशा है उसकी, वहाँ उस दिशा में ना जाकर मूत्र मार्ग में पहुँच जाता है, तो मूत्र मल से युक्त या मल की गंध वाले मूत्र की पीड़ा के साथ त्याग होता है, इसे ही विड विघात बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने भेद के बारे में देख लिया मूत्राघात के, तो कंप्लीट हो गया हमारा मूत्राघात के बारे में, मूत्राघात के भेद के बारे में। इसके पहले की वीडियो हमने निदान संप्राप्ति संप्राप्ति घटक और साथ ही साथ मूत्राघात की चिकित्सा के बारे में देखा था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को और फैमिली में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।